प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर हिसार से। आपको बता दें कि हिसार के मिर्का में दलित युवक की हत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि बीते 6 दिनों से युवक के परिजनों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं परिजनों के समर्थन में अब कई संगठन भी साथ में आ चुके हैं। बता दें कि ये परिजन हत्या के 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं 50 लाख का मुआवजा और नौकरी दिए जाने की मांग परिजनों के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने हिसार के IG को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन की टीम इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हिसार से है। एक बार फिर से आपको बता दें कि हिसार के गांव मिर्का में दलित युवक की हत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 6 दिनों से मृतक युवक के परिजनों का धरना प्रदर्शन लगातार ऐसे ही जारी है। आपको बता दें कि अब इन परिजनों के समर्थन में कई संगठन भी साथ में आ चुके हैं। बता दें कि इन लोगों के द्वारा हत्या के 17 आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की गई है, तो वहीं अब 50 लाख का मुआवजा और नौकरी दिए जाने की मांग भी परिजनों के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि हिसार के IG को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, तो वहीं पुलिस प्रशासन की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर हिसार से। आपको बता दें कि हिसार के मिर्का में दलित युवक की हत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि बीते 6 दिनों से युवक के परिजनों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं परिजनों के समर्थन में अब कई संगठन भी साथ में आ चुके हैं। बता दें कि ये परिजन हत्या के 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं 50 लाख का मुआवजा और नौकरी दिए जाने की मांग परिजनों के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने हिसार के IG को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन की टीम इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हिसार से है। एक बार फिर से आपको बता दें कि हिसार के गांव मिर्का में दलित युवक की हत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 6 दिनों से मृतक युवक के परिजनों का धरना प्रदर्शन लगातार ऐसे ही जारी है। आपको बता दें कि अब इन परिजनों के समर्थन में कई संगठन भी साथ में आ चुके हैं। बता दें कि इन लोगों के द्वारा हत्या के 17 आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की गई है, तो वहीं अब 50 लाख का मुआवजा और नौकरी दिए जाने की मांग भी परिजनों के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि हिसार के IG को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, तो वहीं पुलिस प्रशासन की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। आज जितने भी युवा साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं सर, ये जो भाई विनोद है उसको न्याय दिलाने के लिए है और सभी साथियों के दिल में बहुत ज़्यादा ही आक्रोश है प्रशासन के प्रति और सरकार के प्रति, और ये हम गहरी कठोर शब्दों में सरकार की निंदा करते हैं जो अब तक इस मामले को इतने संज्ञान में नहीं लिया, इतने हल्के में ले रखा है। तो हम अभी भी गुजारिश है सरकार से और सभी सरकारी नुमाइंदों से कि जितना जल्दी उसके भाई को न्याय दिलाने का कष्ट करें। देखिए, हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा है और संविधान में सभी जीव जंतुओं का, सभी नागरिकों का समानता से जीने का अधिकार है। हम चाहते हैं कि हम हमारे महापुरुषों के जो आंदोलन थे वो भी समानता के लिए थे, बराबरी का दर्जा पाने के लिए थे, और इस देश में सबको बराबर जीने का, समानता से जीने का अधिकार है। और इस देश के अंदर समानता से हमारे लोगों को जीना नहीं दिया जा रहा, बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। इस देश के अंदर जातीय गुंडे पैदा हो रहे हैं जो जाति के आधार पर शोषण करते हैं, जाति के आधार पर मारते हैं, पीटते हैं। तो ये जातीय गुंडे हैं, और आप आंकड़े उठा के देखिए कि आज तक किसी भी शेड्यूल कास्ट की जाति के आदमी ने सवर्ण जाति के लोगों का गांव में कहीं भी पूरे भारत में बहिष्कार नहीं करा। बहिष्कार भी हमारा ही किया जाता है, हमारी ही जातियों के लोगों का बहिष्कार किया जाता है। और ये आप आंकड़े उठा के देखिए कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कभी भी सवर्ण जाति के लोगों के साथ कोई ऐसे अपराध नहीं किया, कोई ऐसा क्राइम नहीं करा। ये क्राइम ये जो होता है ये हमारे साथ होता है, क्योंकि ये जाति को देख कर किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि भाई जो विनोद के जो हत्यारे हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके फांसी की सजा दी जाए और गांव के अंदर सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि गांव के जो रहने वाले हमारी जाति के जो लोग हैं, वाल्मीकि जाति के लोग, उनको डर का भाव ना हो इन दबंग जातियों से।
मैं दबंग नहीं कहूँगा, ये गुंडा लोग है, गुंडे लोग है ये।